हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे एसएससी की 2019 हमारी ये जो वर्कशॉप है इसे इसके अंदर हमारा इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज़ को। आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर एसएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, उन सभी कोर्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अ सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इस रेवेन्यू इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर किसी भी सरकार का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा उसके रेवेन्यू यानी कि जो भी उन्होंने अर्न किया होता है थ्रू टैक्सेशन और वट एवर द वैल्यूज़ जिससे वो रेवेन्यू अपना कलेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोला जाता है बजट डेफिसिट, यानी कि सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहा उसके किए गए रेवेन्यू अर्न से। द वैल्यू दैट द रेवेन्यू प्लान, अगर हम बात करें कि रेवेन्यू प्लान आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो वो एक प्रोडक्ट लेवल पर डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू बनाता है। अब अगर आप बात करेंगे बजट डेफिसिट की, तो आपको मैंने बताया कि वो कंडीशन जहां पर सरकार का एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू से एक्सीड कर जाता है वो बोला जाता है बजट डेफिसिट। डिफॉल्ट फाइनेंसिंग क्या होता है? फेलियर होता है जहां पर लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करने की बात होती है। नेक्स्ट, डेफिसिट रेवेन्यू कब होता है? जब नेट इनकम लेस होती है जो भी आपने इनकम को प्रोजेक्ट किया होता है उससे। विच अमंग दी फॉलोइंग कंट्रीज़ वॉन दी फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019? तो हाल फिलहाल में होने वाले जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या तो वो किसने जीता, कहाँ पर हुआ, उनके रिलेटेड जो भी फैक्चुअल डिटेल्स होंगी उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। 2019 में हुआ आपका फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, किसने जीता? इसे जीता स्पेन ने। तो स्पेन ने आपको हराया अर्जेंटीना को, जो कि आपका कहाँ पर हुआ था? बीजिंग चाइना में हुआ था। इस इवेंट से कुछ फैक्टुअल डिटेल्स आप इन्हें भी देख लेंगे। चोरा चोरी कांड हैपन्ड इन विच ईयर, तो चोरा चोरी जो कॉन्स्पिरेसी कांड था वो आपका किस साल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1922 में। चोरा चोरी आपका होता है 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जिले में। इन इट एक वायलेंट मॉब सेट लोकल पुलिस स्टेशन ऑन फायर ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट के टाइम पर जो वायलेंट मॉब थी उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस वजह से गांधी जी अपसेट हो गए थे फ्रॉम दिस वायलेंस जो कि आपका चोरा चोरी में हुआ, और इसके रिएक्शन से क्या किया गांधी जी ने, अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग अराइजेज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन्स? केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या था? किस टाइप के आपके केमिकल बॉन्ड निकलते हैं यानी कि बनते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन्स। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मेटालिक बॉन्ड्स। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं? एक टाइप के एक केमिकल बॉन्डिंग होती हैं जो कि आपकी किससे होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि कंडक्शन का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन्स के बीच में। वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस रिलेटेड? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई जो भी गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं उनके हेडक्वार्टर एग्जाम में आपने देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछा गया है? हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, उसकी लोकेशन आपको बतानी है, तो ये है आपका मैसूर में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज एन इंडियन रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है? मैसूर में है। इसे फाउंड किया गया 17 जुलाई 1969 को। ये एक पार्ट है ऑफ द लैंग्वेज ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जो कि क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस आपका क्या होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये ह्यूमंस के अंदर 3 प्रोटीन इन द कॉर्न सेल्स एक्ट एज कलर सेंसर्स, यानी कि आपके ह्यूमंस के अंदर 3 प्रोटीन्स इन द कॉर्न सेल्स वो एक्ट करते हैं एज कलर सेंसर्स का। द 2 कलर सेंसर्स आर इनकोडेड बाई एक्स लिंक्ड जीन्स वाइल 1 इज इनकोडेड बाई द जीन लोकेटेड, जो कि 7th ऑटोसोम पर होता है। द गिद्धा डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो देखिए अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड डांस फॉर्म्स, उनकी कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे पूछा गया है गिद्दा डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? तो सभी को पता होगा ये रिलेटेड है आपका पंजाब से। तो गिद्धा एक पॉपुलर फोक डांस है जो कि वुमेंस करती हैं पंजाब रीजन ऑफ इंडिया में। इसे पॉपुलरली बोला जाता है लोक नाच फॉर पीपल इन पंजाब। वेरी वैग्रेस फोक डांस है, इट वॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया
फ्रॉम द प्री पार्टीशन पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू सन, यानी कि सन के सबसे कमी निकट जो स्टार है वो कौन सा है? तो आसान क्वेश्चन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इज एन एक्सप्लोनेट ऑर्बिटिंग इन द हैबिटेबल जोन ऑफ द रेड ड्वार्फ स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। इसकी डिस्कवरी प्लैनेट की कब की गई थी? अनाउंस किया गया था अगस्त 2016 में बाय द यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। व्हेन वाज द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट के सेटअप होते हैं उनसे फॉलोइंग सेटअप ईयर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश्ड किस ईयर में हुआ। तो इसका सेटअप होता है आपका 1960 में। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 7 May 1960। इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे न्यू दिल्ली के अंदर है। ये एक लीडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री। ये फंक्शन करता है अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह क्या है इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इन विच ईयर वॉज द आउत किसान सभा फॉर्म? तो किस साल में आउत किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ? तो इसका फॉर्मेशन होता है आपका 1920 में। तो आउत किसान सभा वॉज फॉर्म्ड ऑन 17 October 1920 एट प्रतापगढ़ इन उत्तर प्रदेश। जो फार्मर्स थे आउत के, इन्होंने फॉर्म किया इस किसान सभा को बाय ब्रेकिंग द टाइज विद उत्तर प्रदेश किसान सभा इन 1920 अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड? तो वो कौन सा देश है जिसके अंदर की भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? ये है आपका USA। तो USA हैज़ द लार्जेस्ट एरेबल लैंड इन वर्ल्ड, जहाँ पर इतना एरिया आपका अंडर एरेबल लैंड आता है। सेकेंड आपका इंडिया है, जहाँ पर थर्ड पर आता है रशिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय आर सिचुएटेड? तो निम्नलिखित में से कौन से हिमालयाज में आपका हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालय आते हैं? तो ये आता है आपका नेपाल हिमालय में। तो हिमालयाज हाइएस्ट पीक लोकेटेड हैं आपकी नेपाल हिमालयाज में। दीज आर एवरेस्ट, मकाल, कंचनजंगा। द लेंथ ऑफ नेपाल हिमालय कितनी है? 800 किलोमीटर है। ये एक्सटेंड है फ्रॉम द काली रिवर टू द तीस्ता रिवर। इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक समिट 2019 वॉज हेल्ड इन? तो लॉजिस्टिक समिट 2019 इंडिया और नेपाल के बीच में कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी काठमांडू नेपाल में। तो इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक समिट 2019 का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हुआ? काठमांडू में हुआ। इसे ऑर्गेनाइज कब कराया गया? 28 July 2019 में। इसे इनॉग्रेट किया आपके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन विल बी ऑपरेशनल अंडर? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी जगह पर भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। तो ये होगा आपका कोलकाता की हुगली रिवर में। तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन विल सून गेट स्टार्टेड इन कोलकाता अंडर दी हुगली रिवर। जो ट्रेन होगी ये ब्रिंग करेगी ईज ऑफ द पीपल कोलकाता, जहाँ पर प्राइड टू दी पीपल ऑफ इंडिया के तौर पर से जाना जाएगा। दी 16 किलोमीटर लॉन्ग कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट ये कनेक्ट करेगा सॉल्ट सेक्टर 5 विद हवारा मैदान को। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड? तो अगर आप फ्रूट के डेवलपमेंट की बात करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है पार्थेनोक्रैपी। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोक्रैपी। पाइनएप्पल्स एंड फिक्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि इस साइंस से रिलेट करते हैं। दी राज्यसभा कैन विद होल्ड इट्स कंसेंट टू अ मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि राज्यसभा कितने टाइम तक किसी भी मनी बिल पर अपने कंसेंट को विद होल्ड कर सकता है? तो विद इन 14 डेज इन्हें अपना कंसेंट यहाँ पर देना होता है किसी भी मनी बिल पर। मनी बिल से रिलेटेड रिलेटेड चीज़ें जान देंगे कि कोई भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। मनी बिल पास किया जाता है लोकसभा और सेंड किया जाता है राज्यसभा के लिए। जो राज्यसभा होती है वो अमेंड नहीं कर सकती इस मनी बिल को, बट कुछ अमेंडमेंडिंग रिकमेंडेशंस वो दे सकते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये सर्टिफाई करता है कि कोई भी मनी बिल है या नहीं है। इसे देन अपर हाउस में भेजा जाता है और उसके बाद स्पीकर के डिसीजन के बाद इसे बोथ हाउस में बाइंड किया जाता है। अ मनी बिल शुड बी रिटर्न टू लोकसभा विद इन 14 डेज, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल 110। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द आयन इलेक्ट्रो आइसो इलेक्ट्रिक, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा पेयर है जहाँ पर आयन्स क्या होंगे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? तो ये होंगे आपके सोडियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन।
तो आइसोइलेक्ट्रिक रेफर करता है कि जहाँ पर दो एटम आयन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर। तो Na 11 में से एक यानी कि 10 होता है और O2 में भी यही सेम होता है, यानी कि यही क्या होंगे आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन लो लाइंग एरियाज अर्थ कवर इज कॉल्ड। तो जब आप डंप करते हैं सॉलिड वेस्ट को इन लो लाइंग एरियाज में अर्थ के ऊपर, तो इसे क्या बोला जाता है? सो दिस इज नोन एज सैनिटरी लैंडफिलिंग। तो सैनिटरी लैंडफिलिंग एक मेथड होता है जहां पर डंप किया जाता है सॉलिड वेस्ट को इन लो लाइंग एरियाज अर्थ कवर। जो सैनिटरी लैंडफिल्स होती हैं, ये साइट्स होती हैं जहां पर वेस्ट को आइसोलेट किया जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ रहे। जगन्नाथ मिश्रा हु डाइड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो हाल फिलहाल में रिलेटेड जो भी जनरल न्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर बताना है कि जगन्नाथ मिश्रा इनकी डेथ हुई थी तो ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे थे? तो ये चीफ मिनिस्टर रहे थे बिहार के, याद रखेंगे जगन्नाथ मिश्रा। तो वेटरन कांग्रेस लीडर थे ये, अभी हाल में 82 की ईयर में इनका देहांत हो गया। डॉक्टर मिश्रा चीफ मिनिस्टर बने 1975, 1980 और 1989 में। बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स मिश्रा जो थे ये इकोनॉमिक प्रोफेसर थे बिहार यूनिवर्सिटी में। द स्टडी ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन द ब्लड इज कॉल्ड। तो जो भी एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज की स्टडी होती है जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज सीरोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं उन्हें बुलाया जाता है सीरोलॉजी। कसौली हिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कसौली हिल कहां पर है सभी को पता होगा, ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। प्लेस ऑन व्हील्स इज रन बाय विच स्टेट रेल टूरिज्म। यानी कि बताना है कि जो पैलेस होते हैं उन्हें व्हील पर रन कराया जाता है, तो ये किसने किस स्टेट टूरिज्म में इसे लॉन्च किया है? तो राजस्थान टूरिज्म में लॉन्च किया जहां पर पैलेस इसको व्हील्स पर रन कराया जाएगा। हु वॉज द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर। तो इंडो चाइना वॉर के दौरान जो जनरल स्टाफ के चीफ थे वो कौन थे? तो ये थे आपके ब्रिजमोहन कौल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिजमोहन कौल ये चीफ थे जनरल स्टाफ के भारतीय आर्मी के ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर 1962 में, जो कि हुआ। इन्होंने रिजाइन किया आफ्टर मैथ द 1962 सीनो इंडिया वॉर। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल आर्किटेक्चर डजेंट हैव एनी शेडो ऑन द ग्राउंड एट द नून टाइम। यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल है जिसमें दोपहर के समय उसकी परछाई नहीं दिखती है? तो ये है आपका बृहदेश्वर टेम्पल। आर्टिकल 370 इज ड्राफ्टेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 370 को किस पार्ट के अंदर रखा गया है भारतीय संविधान में? तो ये आता है आपका 21st पार्ट में। तो आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था कश्मीर को, इसे पार्ट 21 में रखा गया। आर्टिकल 370 टेम्प्ररी एंड ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस देता था किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। सो दिस वॉज अ पार्ट विच वॉज रिलेटेड फॉर जनरल स्टडीज़। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। इस पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।